हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं शाही भिंडी मसाला बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आधा किलो भिंडी लिया है, जिसको कि मैंने धोकर काट लिया है। भिंडी को मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट किया है। तो पहले मैं भिंडी को फ्राई कर लूँगी। ठीक, कढ़ाई मैंने चढ़ा लिया है, तेल भी गर्म हो गया है। तो अभी मैं भिंडी को डाल दूँगी। भिंडी डालने के बाद इसमें मैं नमक ऐड कर लूँगी। अभी इसको मैं 70 to 80% तक फ्राई कर लूँगी। देखिए, भिंडी यहाँ पर 80% तक फ्राई हो गया है। इसको निकाल लेती हूँ। भिंडी को निकाल लिया है, फिर से मैंने कढ़ाई चढ़ा लिया है। कढ़ाई में तेल भी गर्म हो गया है, तो इसमें मैं अभी जीरा डाल दूँगी, सरसों डाल दूँगी। जीरा और सरसों को चटकने दूंगी। फिर यहाँ पर देखिए, मैंने प्याज लिया है, इसको डाल दूंगी। प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। प्याज का कलर चेंज हो गया है, तो इसमें मैं अभी अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लूंगी। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच पेस्ट डाला है। अदरक लहसुन को फ्राई करते हुए 5 मिनट हो गया है, तो इसमें मैं अभी टमाटर प्यूरी डाल दूंगी। टमाटर प्यूरी को अच्छी तरह से भून लेंगे। टमाटर और मसाले अच्छे तरह से हमारे भून गए हैं, तो इसमें मैं अभी 1 बड़ा चम्मच बेसन डाल दूंगी। बेसन को भी मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लूंगी। बेसन को भी मसालों के साथ भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गया है, तो अभी इसमें मैं दही ऐड कर लूंगी। मिला लूंगी। दही को डालने के बाद इसमें सारे हमारे जो पाउडर मसाले हैं वो डाल दूंगी। देखिए, यहाँ पर मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, धनिया पाउडर डाल रही हूँ, जीरा पाउडर डाल रही हूँ, लाल मिर्च डाल दूंगी। अभी फिर से सारे मसालों को मिला लेंगे। इसमें मैं अभी थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। भिंडी में नमक डालकर भिंडी को हमने फ्राई किया था। अभी मसालों को देखकर, यहाँ पर देखिए, मैं 1/2 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ। इसमें अभी उबाल आने दूंगी। मसालों में उबाल आ गया है, तो अभी फ्लेम को मैं लो कर लूँगी और जो भिंडी को फ्राई करके रखा था उसको डाल दूंगी। इसको हल्के हाथ से चलाना है। भिंडी को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिला लिया है। अभी इसको मीडियम फ्लेम में 5 से 7 मिनट के लिए बिठाएंगे। देखिए, 5 मिनट हो गया है और भिंडी हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है, क्योंकि हमने जब भिंडी को फ्राई किया था 80% पे फ्राई किया था। तो अभी मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और आपको सॉफ्ट करके दिखाती हूँ। ये हमारा शाही भिंडी मसाला बन के तैयार है। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको आप रोटी के साथ, पराठों के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं। तो आप इसको घर पर एक बार ज़रूर बनाइए और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिए। थैंक यू।